हेलो दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आरबीआई द्वारा पे पेमेंट बैंक पर बैन लगाया गया है ऐसे में अगर यदि आपका कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला पैसा आपका पे पेमेंट बैंक पर रिसीव हो रहा था तो वो अब 15 मार्च के बाद रिसीव नहीं होगा पहले तो उनतीस फरवरी तक ही था लेकिन अभी पंद्रह दिन का और टाइम बढ़ाया गया है ऐसे में पंद्रह मार्च के बाद रिसीव नहीं होने वाला है तो दोस्तों अगर यदि मान लीजिए आपका पे पे पैसा मिल रहा है अभी तो उसे अब आपको चेंज करके दूसरे अकाउंट पर जाना पड़ेगा ठीक है तो डिबी दोस्तों चेंज करने के लिए ऐसे तो नियम ये बता कहता है कि आप जिस भी अकाउंट पर रिसीव करना चाहते हैं डिबी को तो उस बैंक का ब्रांच पर जाकर बोलने से आपका लिंक हो जाता है लेकिन कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं आपका जो पुराना लिंक है उसे आप पहले हटाइए उसके बाद से लिंक होगा तो दोस्तों अगर जो आपका पे में लिंक है तो आप पे से इसे कैसे हटाएंगे इसके लिए चलिए आगे वीडियो देखते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है हाँ दोस्तों पेटीएम ऐप को ओपन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे मेरा अभी आधार कार्ड के साथ एन पी सी जो लिंक है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लिंक है अब मुझे इसे चेंज करके दूसरे बैंक पर लिंक करवाना है सबसे पहले उसको मुझे डीएक्टिवेट करना होगा तो डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको पे ऐप को ओपन करना है पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज आएगा यहाँ पर अपने स्क्रीन को स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना है नीचे की आपको एक सेटिंग मिलेगा ऑल बैंक सर्विस केयर इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम करके यहाँ पे लिखा होगा एनरोल फॉर डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों अगर जी आपका लिंक है अकाउंट तो यहाँ पर बताया जाएगा जैसे कि मेरा अकाउंट लिंक है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट लिंक सक्सेसफुली कब लिंक है इसका डेट भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है नीचे आपको एक मिलेगा हेल्प सेक्शन नीड हेल्प कब उस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों देखिए इस प्रकार से पेज आएगा यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में नीड हेल्प विथ नन ऑर्डर रिलेटेड क्यूरी यहाँ पे दोस्तों क्लिक इसलिए करना है क्योंकि हम लोग का जो इशू है वो वो डी से है और यहाँ जो हम लोग को लिस्ट मिल रहा था वो ट्रांजेक्शन का मिल रहा था तो इससे हम क्लिक नहीं करना है हमको नीचे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इस प्रकार से पेज आएगा दोस्तों यहाँ पे किन्नी किन्नी का इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं किन्नी किन्नी का ऑप्शन सिर्फ वन एक ही ऑप्शन मिलते हैं तो जिनका भी इस प्रकार से ऑप्शन मिल रहा है उनका तो बहुत ही आसान होगा लेकिन किन्नी किन्नी का सिर्फ़ एक ही ऑप्शन मिलता है ये वाला कि आई एम अनेबल टू अपन न्यू सेविंग अकाउंट उनके लिए समस्या है कि वो डी को कैसे हटाएँ तो दोस्तों उनका भी तरीका मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ टेंशन ना लीजिए वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है दोनों का मैं तरीका बताने वाला तो पहले दोस्तों जिनका इस प्रकार से ऑप्शन शो हो रहा है उनका तो यहाँ तो पे क्लिक करना है ईसो विज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद उनको एक दो ऑप्शन मिलेगा उनमें से एक में क्लिक करना है आपको डी रजिस्टर्ड डी फ्रॉम माय अकाउंट ऐसा करके कुछ ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे ए और नो का तो उसमें एस वाले में क्लिक करना है एस आई वॉन्ट टू डी रजिस्टर वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो डी है वो चार से पाँच दिनों के बाद डी हो जाएगा लेकिन जिनका अकाउंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन शो हो, हो रहा है उनको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है भले ही ये डी से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है फिर भी आपको इसी ऑप्शन पर ही क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा इस प्रकार से पे जाएगा यहाँ पे आपको एस योर नो मतलब कि बोला जा रहा है कि क्या आपको दूसरा कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको एस पर क्लिक करना है देखिए एस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए फिर से नीचे बोला जाएगा काइंडली डिस्क्राइब योर इश्यू मतलब आपका क्या समस्या है यहाँ पे नीचे मैसेज पर टाइप कीजिए तो यहाँ पे एक लाइन टाइप करना है आपको कि डी रजिस्टर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इतना लिख कर आपको आगे भेज देना है भेजने के बाद फिर से आपको पूछा कि आपके पास कोई स्क्रीन शॉट है आप स्क्रीन शॉट देना चाहते हैं तो नहीं दोस्तों हम लोग के पास कोई भी स्क्रीन शॉट नहीं है इसके रिगार्डिंग तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है नो में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो इशू है उसके रिलेटेड एक टिकट ट्राइज हो जाता है हेल्प सेक्शन पर दोस्तों टिकट पे इस टिकट आईडी पे आपको पेटीएम जो कस्टमर केयर है उसके तरफ से जो मैसेज आएगा यही भी आएगा टिकट तो दोस्तों टिकट राइज होने के बाद कुछ देर बाद एक मिनट दो मिनट या पाँच मिनट बाद एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैसेज आता है इसमें बताया जाता है कि आपका जो कंसर्न है वो टीम के पास भेज दिया गया है दोस्तों इस मैसेज के बाद आधा घंटा या पंद्रह मिनट के बाद पंद्रह मिनट आधा घंटा इस तरह के हो सकता है कि का एक घंटा भी लगता है उतना देर के बाद फिर से एक मैसेज आता है डिटेल मैसेज कि आपका डी लिंक है कहाँ कहाँ का पैसा आपके डी पेटीएम पर आ रहा था अगर दिया दे, फटा देते हैं तो नहीं आएगा रिसीव नहीं कर पाएंगे इस तरह का सारा कुछ बताएगा ठीक है और लास्ट में देखिए यहाँ पर हाउ इ लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट में लास्ट का पूरा पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि अगर यदि आप डी डी को डी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप एस टाइप कर कर हमें भेजिए तो यहाँ पे आपको एस टाइप करना है और सेंड कर देना है सेंड वाले बटन से यहाँ पे सेंड करने के बाद दोस्तों एक इस प्रकार से मैसेज आएगा हो सकता है इस मैसेज ना आए और मैसेज आने से पहले आपको क्या होगा कि कस्टमर केयर की तरफ से एक कॉल आएगा और वो बताएंगे कि आप जो है कि पूछेंगे आपसे कि आपका नाम क्या है या फिर हम बताएगा कि आप डी बी टी को डी रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट किए हुए थे तो क्या करना है तो वहाँ आपको बताना है कि हाँ मुझे डी रजिस्टर करना है पेटीएम से मुझे डीबीटी को डी रजिस्टर करना है उसको उसके बाद कॉल को, को कट हो गया दोस्तों और वहीं पे वो बताएंगे कि आपका जो डी है वो दो से तीन दिनों में डी हो जाएगा और उसके बाद से ये मैसेज आएगा और इसमें भी बताया जाता है कि आपका जो डी में जो लिंक है डिबी डी वो दो से तीन दिन में डी हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करना है हालांकि दो तीन दिन में होता नहीं है मेरा खुद का पाँच दिन लग चुका है अभी तक हुआ नहीं है तो वेट कर रहा हूँ दोस्तों जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाता है मैं अगला वीडियो आपको फ्रोक के तौर पर ज़रूर दे दूँगा आप लोग को भी वेट करना है दोस्तों लेट लगने का मेन कारण है मैंने पेटीएम कस्टमर केयर से बात किया हुआ था तो लेट लगने का मेन कारण बता रहे हैं कि अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं इसके वजह से कुछ थोड़ी ज़्यादा ही लेट लग रहा है तो आप लोग को वेट करना है लास्ट तक हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए जय हिंद जय भारत